ये किस तरह से काम करती है। ये एक बेहद स्लिम फोन है खास तरह का, इसमें आप सिम डाल के भी चला सकते हैं, व्हाट्सएप, वाइबर, फेसबुक, जीमेल चला सकते हैं। नॉर्मल फोन, बहुत शानदार, बहुत उम्दा गेम के लिए। खास तरह के कैमरे लगे हुए हैं, एक खास तरह के कवर में है कि आपके फोन को स्क्रैच ना पड़े। इसके ऊपर आप बाद में टैपर लगा सकते हैं। देखने में एक बेहतरीन बढ़िया फोन की तरह इमेज है इसकी। इसमें खास तरह का पासवर्ड डाल के आप इसको ऑन कर सकते हैं। एक खास तरह का पासवर्ड डालेगा तभी चलेगा। यह मैंने ऑन कर दिया। अब मैं आपको इसकी जो खासियत है वो बताने जा रहा हूँ। इसकी सबसे खासियत क्या है, आपने पहले जितनी भी तरह की चीजें देखी होंगी, जितनी तरह के स्कैनर फोन देखे होंगे, उनके साथ में ये रिमोट आता था। इस रिमोट को 1 से लेकर 13 तक दबाने के बाद ये ऊपर और नीचे जाता था, इसमें काफी समय लग जाता था। अब आपको खास तरह का जो इसका रिमोट आया, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ये अब ओल्ड हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। अब ये खास तरह का रिमोट आया। इस रिमोट की खासियत क्या है, आपको कोई भी पत्ता स्कैन करना है, कोई भी पत्ता आपको जानना है, आप सिर्फ पत्ते का वो नंबर दबाएंगे और वो एक भी डेटली स्कैन हो जाएगा। अब ये कैसे स्कैन होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये प्लेइंग कार्ड है। अब आपको इसको कार्ड को ध्यान से देखेंगे, ये कार्ड बहुत यूज किए हुए हैं, ये कार्ड बहुत यूज किए हुए कार्ड है। ये लगभग 1.5 से 2 साल पुराने हैं। अब इस कार्ड की खासियत क्या है, ये 10G कार्ड्स हैं। 10G कार्ड्स में क्या होता है कि हम इसको यहाँ से डालते हैं सॉफ्टवेयर, और 4G कार्ड या नॉर्मल कार्ड में क्या क्या करते हैं, यहाँ से डालते हैं। तो यहाँ से पत्ता टूटने कटने के बाद भी वो पत्ता चलता नहीं है। ये 10G ताश की खासियत क्या, आप इसको जितना मर्जी पुराना कर लीजिए, देखेंगे आप कितनी पुरानी ताश है। ये देखिए कितनी पुरानी है, आप इसके हालात देख सकते हैं ताश के, कितनी पुरानी ताश है। ये अब भी बहुत बड़ी चलती है, ये देखिए ये लगभग 1.5 से 2 साल पुरानी ताश है। ये ताश 10G है, तो आपको जब भी ताश लेनी है 10G लेनी है। आप ध्यान से देखिए, आप पूरी वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बहुत सारी जानकारी इसके अलावा भी दूंगा। अब आप देखिए ये काम कैसे करता है। ये फोन है, इसको हमने पासवर्ड से खोल लिया। अब हम एक गेम चेक करते हैं 520। मैं इसको स्पीकर मोड पे कर देता हूं, और आप इसको स्पीकर मोड से हटा भी सकते हैं, और बाद में कान में ये खास तरह की ब्लू कलर की मक्खी, नॉट ब्लैक, ब्लू कलर की मक्खी कान में लगाएंगे, जो बहुत दूर तक आपको रेंज देगी और बहुत अच्छी आपको क्लैरिटी के साथ साउंड देगी कान के अंदर। ये खास तरह की ब्लू मक्खी ये कान में लगेगी, इसके अंदर सेल लगेगा। यहां से खोल के, और इसकी खास बात क्या है, इसकी तरह इसके सब खास तरह के मैग्नेट्स आते हैं जो इसको खराब नहीं होने देते, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। ये मक्खी रही। अब मैंने इसमें गेम लगा दी, आप देखेंगे ये प्लेइंग कार्ड है 10G वाले। अब मैंने इसके साथ ये गेम लगा दी, और ये गेम लगा के मैंने कार्ड इसको स्कैनिंग के लिए डाल दिया। ये स्कैनिंग करके टूटू बोल दिया, मैंने इसको काट दिया। अब ये टूटू बोल रहा है। अब ये टूटू बोलने के बाद मुझे जो पत्ता चाहिए मैं इस रिमोट से दबाऊंगा, जो भी कार्ड चाहिए मैं इसको दबाऊंगा। मान लीजिए मैंने 5 नंबर दबाया, अब 5 नंबर दबाने का इसको बता 511, तो 5 दोनों ही अंदर आएंगे। आप ध्यान से देखेंगे दोनों ही 5 अंदर आएंगे। ओके, दोनों ही 5 अंदर आएंगे, दोनों आ गए, एक ये 5 है और एक ये 5, आप ध्यान से देखेंगे। ओके, अब आपको एक बार फिर दिखाता हूं गड्डी को फेंटने के बाद। CVK 600 सबसे बेस्ट डिवाइस कैसे काम करती है। ये गड्डी ली, मैं गड्डी को फेंट दिया, ये गड्डी को फेंटने के बाद इसको मैंने दोबारा स्कैनिंग करवा दी। ये देखेंगे स्कैन हो गया, मैंने गड्डी काट दी। ओके, ये स्कैन करवा दिया मैंने गड्डी को, यहां से आप ध्यान से देखिए ये स्कैन हो गया गड्डी, ये देखिए स्कैन हो गया, ये मैंने काट दिया। अब ये 222 बोल रहा है। अब मैंने क्या किया, गड्डी मेरे हाथ में है, अब मैंने कोई सा पत्ता इसको मांगा, मान लीजिए अब मैंने इसे मांगा 80। ये देखिए रिमोट को आप, ओके ये 80 को दबाया। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे इसमें 3 अट्ठियां हैं, पहली अट्ठी बाहर गिरेगी, दूसरी अंदर गिरेगी, तीसरी बाहर गिरेगी। पहली अट्ठी कहां गिरेगी, बाहर, पहली अट्ठी बाहर गिर गई, दूसरी कहां गिरेगी, अंदर, अंदर गिर गई। अब ये तीसरी अट्ठी भी बाहर गिरेगी, तीसरी अट्ठी भी बाहर गिरेगी। अब इसमें कोई भी अट्ठी नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे। ये इस डिवाइस की खासियत है कि आपको पुराने रिमोट की जगह नया रिमोट मिलेगा इसके साथ में, और जो इमीडिएटली बताएगा। खास तरह की मक्खी जिसको हम ईयरपीस भी बोलते हैं, ये आपकी खास तरह का ईयरपीस जो आपके कान में लगेगा। इस डिवाइस को आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने का बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। इसका डिस्प्ले हाइड हो जाता है, डिस्प्ले का हाइड होने के बाद आप इसको स्टार्ट गेम करें, और आप इसको टाइम मोड में भी देख सकते हैं। किसी वक्त आपकी मक्खी नहीं काम करती, खो जाती है, खराब हो जाती है, सेल नहीं है, तो आप इसको टाइम मोड में भी यूज कर सकते हैं।
और इस डिवाइस में सबसे बेहतरीन जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, इस डिवाइस में एक गेम है आप यहां आएंगे, उस गेम को कहते हैं 12-14, ये वाला। इस डिवाइस में आप देखेंगे, इस डिवाइस में गेम है 12।